सो आज हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे कारीगर से जिसने पेंटिंग की दुनिया में एक नई किस्म आयात की है। आओ जानते हैं क्या है वो पेंटिंग की किस्म और कैसे बनती है ये पेंटिंग। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, ये जो आप एक नए किस्म की पेंटिंग कर रहे हो, ये क्या है, पहले इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर ये थ्रेड वर्क का आर्ट बना हुआ है, ये स्विंग मशीन से बना है विद हैंड। इसका जो पेंटिंग, एक तो कोई स्केच करता है, कोई जो अपना फाइन आर्ट में जो सीखता है। मैंने ये धागे में तस्वीरें बनाने शुरू की, लोग हाथ की तस्वीरें बनाते हैं, स्केच की बनाते हैं, ऑयल पेंट की बनाते हैं। मैंने यही चीज़ उसको थ्रेड में बनाई, मशीनी थ्रेड में। इसको मुझे बनाने में इतना, जो पीछे जो कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई है, इसको मुझे बनाने के लिए 3 साल लगे। ये तस्वीर 6 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि एक नए किस्म की एक पेंटिंग को, मैं थ्रेड पेंटिंग को याद करूँ, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? सर मैं पहले एक स्केच आर्टिस्ट था, मैंने स्केच आर्ट में काफ़ी इनाम जीते हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट बहुत हैं। पर इस चीज़ को मैं, जब मेरा प्रोफेशनल था एम्ब्रॉयडरी करना, मैं उस चीज़ को बदल के तस्वीरों में ले आया। मैंने सोचा जो उस स्केच से तस्वीर बन सकती है तो ये फिर एम्ब्रॉयडरी से क्यों नहीं बन सकती, इसलिए फिर मैंने फिर एम्ब्रॉयडरी से तस्वीर बनानी शुरू कर दी। कितना समय लगता है आपको, कितना टाइम लग जाता है एक आपको तस्वीर को थ्रेड में बनाने के लिए? सर ये तस्वीर के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो साइज़ छोटा हो जैसे 12 इंच का या 10 इंच का, 12x12 का हो, उसको 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भी लग जाता है। जो तस्वीर बड़ी हो ज़्यादा, उसको सालों भी लग जाते हैं। कैसा रिस्पांस मिलता है आपको लोगों से, अगर आपको इसको आप रोज़गार की तरह देखें तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है लोगों से? लोग खरीदते हैं आपकी ये पेंटिंग अद्भुत जो आप बना रहे हो, इसको खरीदते हैं लोग? सर लोग देखते हैं, तारीफ़ करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, पर वो ख़रीदने में थोड़ा सा नकाना तो नहीं करते हैं, महसूस करते हैं। क्या कारण समझते हो आपके लोग खरीदना नहीं चाहते? वो सर ये चीज़ को उन्होंने एक तो पहली बार देखा, जब वो देखते हैं वो कहते हैं इसका तो कोई मोल नहीं है। जब उनको खरीदने की बात आती है, किसी का रेट कुछ है, किसी का रेट कुछ है, फिर यहाँ पे इतना मुझे उसका कोई ऑप्शन नहीं मिला कि कोई मेरा उसी की तस्वीर खरीद सके। मैं कल भी ऐसे ही बैठा था, आज भी मैं ऐसे ही बैठा हूँ। ये क्या कारण है, मतलब इतना कितना कॉस्टली हो जाता है कि कोई खरीदता है? लोग तो आर्ट के लिए बहुत कुछ करते हैं, कितनी कॉस्ट करती है आपको एक पिक्चर, कितना मतलब पैसा लग जाता है आपका? सर एक जो 12x12 की तस्वीर होगी उसके 10,000 है, 12,000 है, जो उसको बैकग्राउंड भी बनानी है उसका 15,000 है, ये तो कोई अमाउंट ज़्यादा नहीं है। अमाउंट देखो आर्ट की कभी भी अमाउंट नहीं होती, अनमोल्य होता है वो, ये हम मानते हैं, लेकिन कुछ कॉस्ट तो होगी। जैसे आप इस पे धागा लगा रहे हो, जब कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, जो आपने काफ़ी बड़ी मूर्ति बना रखी है, मैंने देखी है, कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि एक निगर करवाएं इसको। इस पेंटिंग के ऊपर आपके कितना खर्चा आ गया, कितना धागा लगाया टोटल इस पे? सर ये तस्वीर बनाने को मुझे 3 साल का वक्त लग गया। इसमें जो धागा लगा हुआ है इसमें 3545 रीलें लगी हैं। एक जो थ्रेड है, एक रील है, वो 800 मीटर की है। इसको टोटल लगा हुआ है 28,35,000 मीटर थ्रेड। इसको बनाने में 3 साल लगे और रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, ये कैसे भी बनी इसका कोई मोल नहीं है। इसको कई लोगों ने देखा, बाहर से भी कई लोग आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया, पर मुझको आज तक कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, खरीदार नहीं मिला, प्रशंसक बहुत मिले। चलो ये वैसे हमें अफसोस है ये बात जानने के बाद कि आपको इस इतने खूबसूरत आर्ट का, मतलब जो चीज़ अद्भुत है जिसको हर इंसान नहीं बना सकता, उसके लिए आपको प्रशंसक नहीं मिले, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ये हाँ, ये तो बात है, ये तो बात सही है सर, पर इतनी मेहनत की है, पर इसका जो अलग से कोई काम करता है उसकी प्रशंसा होती है पर देर बाद होती है। पर मैंने बहुत इंतज़ार किया, इतनी तस्वीरें बनाई हैं अब तक, इतने लोग मुझे मिले हैं, इतने लोगों ने लाइक किया है, पर खरीदने वाला कोई नहीं। अच्छा ऐसा भी है कि सिर्फ आप भगवान की फोटोग्राफ्स बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, या कुछ लोगों की, या कुछ अच्छे दृश्य जैसे होते हैं, सीनरी होती है, ऐसा भी कुछ करते हो? किसी भी तस्वीर हो, किसी इंसान की हो, किसी जानवर की हो, किसी पेड़ पौधे की हो, कोई भी तस्वीर हो वो मैं बना सकता हूँ। किसी की भी हो, मैंने बनाई है, काफ़ी की बनाई है, लड़कियों की बनाई है, लड़कों की, बच्चों की, मदर की, काफ़ी जाने की बना चुके हैं। जो भी तस्वीर होगी मैं वो बना सकता हूँ, किसी की भी वो धागे। तो आप लोगों से, अपने जो चाहने वाले हैं या आर्ट के प्रेमी हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो मैं आर्ट बना रहा हूँ, मैंने तो इस आर्ट को मेहनत करते हुए इतना टाइम लगा दिया, पर मुझे कोई ऐसा भी नहीं मिला जो मशीनी से धागे से तस्वीरें बनाता हो। अगर कोई तस्वीर किसी का लोग पसंद करते हैं कि मुझे स्केच का बना दो, मुझे ऑयल पेंट का बना दो, कोई हाथ की बनाता है धागे की, ये मैं मशीनी बना रहा हूँ, ये मशीन स्विंग मशीन से बन रही है,
मैं स्विंग मशीन से चाहता हूँ कि और भी कोई ऐसा मुझे मिले जो ये बनाता हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ को सराहा जाए, और मैं चाहता हूँ जो मैंने कृष्ण जी की तस्वीर इतने बरसों लगा के इसको बनाई है, इसके कहीं में कोई तो रोल हो, कोई पंजाब सरकार या कोई इसको देख के ये तो कहे कि हमारे पंजाब में भी कोई है जो इस तरह धागे की तस्वीरें बना रहा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा साथ दे, या मेरा कोई इस तस्वीर की ऑप्शन लगवा सके कि मैं ऑप्शन, या इसकी एग्जीबिशन लगवा सके, मैं उसका बहुत धन्यवाद दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बात करके आपसे अच्छा लगा। हम दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये जो कला है, सिर्फ आज तक ये इनका चैलेंज है कि यही बना रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं बना रहा, ये खुला चैलेंज करते हैं। अगर कोई इस तरह की कला में निपुणता हासिल करता है या उसको बनाता है, तो ये उसको एक राशि इन्होंने फिक्स की है, वो भी देने के लिए तैयार हैं, मतलब इनाम के तौर पर देने के लिए तैयार हैं। और दूसरी, और मैं उनसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा जो लोग कला प्रेमी हैं, कि इनकी कला को सराहें, इसको देखें, इसको ख़रीदें, क्योंकि सिर्फ तारीफ से पेट भरना बहुत मुश्किल है। यही बात है ना जी, आप रोज़गार की तरह इसको बरतना चाहते हो तो जी सर, क्योंकि अगर मेरा तो ये प्रोफेशनल है, ये मैं तस्वीरें बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अगर कोई इसको ख़रीदेगा तभी मेरा खर्चा चलेगा, पर जब मैं बना के अपने पास रखी जाऊँगा तो उसका मुझे क्या फ़ायदा, क्या फिर इससे मन उठ जाता है फिर, प्लीज़। सो कला प्रेमियों से यही दरख्वास्त है कि ऐसे कला प्रेमी इनको जैसे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इनके लिए कुछ और भी करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे भारत में, हमारे पंजाब में एक ऐसा कलाकार दबके मर जाए, भूख के आश्रय में मर जाए, कि उसको सिर्फ इसी कारण कि उसकी कला को किसी ने सराहा नहीं। इतना बहुत अनमूल्य कला है ये, तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि इनको लाइक के साथ साथ इनको ख़रीदने का भी देखें, जैसे थोड़ा बहुत कीमत में आगे पीछे करके या उसको कुछ सेट करके उसको सही करें, ताकि इनको बढ़ावा मिले और ये कला को आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।